यही मौका है और गुड्डू पंडित ऑन। अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्या फिर से जॉन विक की नकल उतारेगी मिर्जापुर? अब मिर्जापुर सीरीज जॉन विक से इन्फ्लुएंस तो है, क्योंकि जॉन विक की तरह मिर्जापुर सीजन में भी ऐसे वेपन्स इस्तेमाल किए गए जिन्होंने कांड ही कर दिया। और अब सीजन 4 में कौन सा वेपन कांड करेगा इसका हमें अंदाजा तो है। तो मिर्जापुर सीरीज को मोस्ट इम्पैक्टफुल और पावरफुल बनाने में सिर्फ स्टार कास्ट का हाथ नहीं है, किसी और का भी हाथ है, जिन्हें हम प्यार से छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं, और वह होते हैं सीरीज में इस्तेमाल किए गए छोटे मोटे प्रॉप्स। वेल, जैसे अब मिर्जापुर 3 तो फीकी दाल थी, पर हमारे रोंगटे खड़े कर दिए उस एक पेंसिल ने। जैसे लाला जब उस शायर वाले यंग बॉय की तारीफ करते हैं, उसके जेब में पैसे डालते हैं, उसके बाद वह बच्चा एक पेंसिल के साथ लाला के कान से खून निकाल देता है। और ये देखकर तो सच में जॉन विक की याद ही आ गई, क्योंकि जॉन विक पार्ट 3 में भी जॉन ने एक ऑफिस फाइट सीन में ऐसा ही किया था, पेंसिल या पेन कान में घुसा दिया था। मतलब आज तक पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ लिखने के लिए होता है ये जानते थे हम, पर किसी की मौत भी लिख सकता है ये नहीं पता था। फिर सीजन 2 में अगर आप देखोगे तो मकबूल भाई का हाथ भी किसी वेपन से कम नहीं था, जिसने ललित भाई को दबोच कर मार दिया। खैर, पर इसके साथ साथ सीजन 2 में इस्तेमाल किए गए वेपन से हमें कुछ मॉडर्न गन्स नजर आए, जो कि पार्ट 1 में नजर नहीं आए थे, क्योंकि सीजन 1 में आपने देखा होगा तो कालीन भैया का जो इलीगल गन्स का बिजनेस होता है, जिसका कट्टा कहा जाता है, तो उसमें बहुत पुरानी स्टाइल की गन्स थी, एकदम देसी, और उसी की बिल्कुल यू नो फैक्ट्री में गुड्डू और बबलू भैया काम भी कर रहे होते हैं। वेल, आपको पता होगा कि यूपी में बिहार में लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसी गन्स का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई लाइसेंस या डॉक्यूमेंट कुछ होता नहीं है उनके पास, बट यू नो काफी पॉपुलर है यूपी में। वैसे एक और चीज मिर्जापुर 1 में नजर आई थी, जो थी हैमर, जो हमने मकबूल भाई के हाथ में देखा था एक ऐसे सीन में जहां वे फैक्ट्री में हैमर का इस्तेमाल करके वर्कर्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। वैसे से मिर्जापुर 3 में भी इस्तेमाल हुआ, पर जॉन विक पार्ट 3 में बेसमेंट को तोड़ने के लिए वे उस हैमर का ही इस्तेमाल करता है। मतलब ये लोग जॉन भाई की कितनी नकल उतारते हैं देखो जरा। पर सीजन 4 में क्या होगा, तो अब तो सिर्फ किताबें रह गई हैं। हालांकि मिर्जापुर सीरीज में पढ़ाई लिखाई में लोगों का कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं होता, तो किताबें मिल पाना मुश्किल है, पर अगर जॉन विक से इतनी इंस्पिरेशन ले रहे हो तो ये भी करके देखो, क्योंकि अब मुन्ना भाई भी लौटने वाले हैं, तो उनके जलवे को सूट करने वाला कुछ तो करना पड़ेगा ना। खैर, पर अगर आपके पास कोई और सुझाव है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। WhatsApp hi to 8828 85088.